फ्रेंड्स, आज हम ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन इस तरह से बनता है, बैक साइड से इस तरह से, ये फ्रंट साइड से। इसमें मैंने 3, 4, 4 के मल्टीपल यूज़ किए हैं प्लस 2 हेज स्टिचेस। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। पहला फंदा सीधा, फिर 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा बनाने के बाद फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करके एक सीधा, फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, सीधे फंदे के बाद इस तरह से भी आप जाली डाल सकते हैं, फिर 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर एक सीधा, सीधे फंदे के बाद हम जाली डालेंगे, 2, 3, 3 फंदे उल्टे, फिर सीधा फंदा, फिर लास्ट में एक जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा। पहली रो बन गई है। दूसरी रो, अब ये जाली वाले फंदे को हम बुन लेंगे। 3 फंदे सीधे, जाली वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। इसी तरह से हम इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। तीसरी रो, फिर से 3 फंदे उल्टे, अब ये दोनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 2 फंदे, फिर 2 फंदों के बाद जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से इसको भी आगे तक कंप्लीट करेंगे। अगली रो, अब हम तीनों फंदों को उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे सीधे, पहले यहाँ पे 2 फंदे थे, अब यहाँ पे 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे, ये फंदे इंक्रीज होते जाएंगे उल्टे वाले। इसी तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। अब हम अगली रो बनाएंगे। पहला फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, फिर अब 3 फंदे सीधे बनेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, फिर जाली डालेंगे, 3 फंदे उल्टे। इसी तरह से इस रो को भी पूरी कंप्लीट करेंगे। अगली रो, इसमें हम अब हम पहले 3 फंदे उल्टे थे, अब 4 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, जाली वाले फंदे को भी हम उल्टा बुनेंगे, 3 फंदे सीधे। इसी तरह से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिर से स्टार्ट करेंगे। 3 फंदे, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, अब ये हमारे 4 फंदे सीधे हैं। अब हम इनको डिक्रीज करेंगे। 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों का एक किया, 3 फंदे उल्टे, अब यहाँ पे जाली नहीं बनेगी, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे हैं, इसमें से 2 डिक्रीज होंगे, 2 का एक करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदों का एक किया, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक, 2 का एक करने के बाद 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक करेंगे इस तरह से, 2 का एक, लास्ट का एक फंदा उल्टा। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। अगली रो बैक साइड से बनाएंगे। अब यहाँ पे 3 रह जाएंगे उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे, 3 सीधे, इस रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये रो हमारी कंप्लीट होगी है। अगली रो, 3 फंदे उल्टे, फिर अब
एक फंदा सीधा, फिर दो, दो का एक, तीन फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर दो का एक, तीन फंदे उल्टे। अब इसमें कोई भी जाली नहीं बनेगी, पहले हमने इंक्रीज़ किए थे, अब हम डिक्रीज़ करेंगे और इसको लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट रो बैक साइड से, अब यहाँ पे दो फंदे उल्टे, तीन फंदे सीधे, इसी तरह से इसको बना लेंगे। जो फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे। ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अगली रो, पहला फंदा सीधा, तीन फंदे उल्टे। अब यहाँ पे दो फंदे बच गए हैं, दो फंदों का एक करेंगे, तीन फंदे उल्टे, फिर दो फंदों का एक बनाएंगे, फिर तीन फंदे उल्टे, दो फंदों का एक, फिर तीन फंदे उल्टे, इसी तरह से इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और बैक साइड की रो बनेगी एक उल्टा फंदा, तीन सीधे फंदे। इसी तरह से आपको इतना सा जो ये पैटर्न है यही आपको आगे तक रिपीट करना है। जब आप इसको आगे तक बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा। बहुत ही प्यारा ये कार्डिगन के लिए डिज़ाइन है, स्पेशली लेडीज़ कार्डिगन के लिए। इस तरह से ये स्ट्रेचेबल है और आप इसको बना सकते हैं।